हाय गाइस, आई एम गौरव चौधरी और आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बोले तो बोर्ड मास। आप सभी ने बोर्ड मास का नाम तो सुना ही होगा। बोर्ड मास बोले तो सर बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एन से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ऐसा सवाल आता है, क्या स्टूडेंट तो इसको चुटकियों में उड़ा देते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ऐसे सवालों को करने में, क्योंकि चौथी पांचवी छठी क्लासों में, छोटी क्लासों में इसको कराया जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इसे करने में, कर तो देते हैं वो भी लेकिन ट्रिक गलत लगाते हैं और इस सवाल को गलत कर देते हैं। तो इसी सवाल को आसान भाषा में समझाने के लिए आसान ट्रिक के साथ मैं आज आपको ये लेक्चर कराऊंगा। जिनको आता है उनको भी, जिनको ना आता है उनको भी, सभी को ये ट्रिक हेल्पफुल होने वाली है। मतलब सभी स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये लेक्चर देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बी की, बोर्ड मास की फुल फॉर्म। बी से क्या होता है आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट बोले तो कोष्ठक। अब हिंदी मीडियम वाले कुछ छात्र होते हैं जिनको ब्रैकेट का मीनिंग नहीं पता तो कोष्ठक समझ सकते हैं। ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब होता है भैया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और बाहर से ब्रैकेट। हमेशा जहां भी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है बाहर से ब्रैकेट, और जहां भी ऑफ लिखा मिले यानी का, ऑफ का मतलब होता है का, समझ जाना ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब होता है डिवाइड, आगे तो आप सभी को पता ही है। एम से मल्टीप्लाई, एम का मतलब है मल्टीप्लाई। ए से एड यानी एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन यानी कि सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, माइनस। ए से एडिशन, एम से मल्टीप्लाई, डी से डिवाइड, ओ से ऑफ। कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा मिलेगा 2 का 4 प्लस 5, इस तरीके से लिखा मिल जाता है का बीच में, तो उसके लिए ऑफ होता है। लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप फुल फॉर्म का याद रखिए। फुल फॉर्म मतलब क्यों याद करा रहे हो सर? फुल फॉर्म का मतलब है ये सभी चीज सिक्वेंस में लगाना है। क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं है, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं बी ओ डी एम ए एस, पहले भैया ऐड कर दिया, उसके बाद ऑफ कर दिया, फिर डिवाइड करें। ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे की तरफ सीक्वेंस में ही सॉल्व करना है, कभी गलती नहीं करना है यहां से। तो अब आता है सवाल। सवाल किस तरीके से आता है यहां से, बहुत ही आसान भाषा में और इजी ट्रिक्स के साथ आपको सिखाएंगे। तो सवाल कैसा आता है, पहला नंबर सवाल 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2, इस तरीके से सवाल आता है एग्जाम में, आता है ना, बहुत आसान वाला सवाल होता है। लेकिन इसमें हमसे गलती हो जाती है सर डिवाइड देने में, हमारा आंसर करेक्ट नहीं बैठता। तो आज इसी को तो हम सिखाने वाले हैं, क्या होता है बी ओ डी एम ए एस। तो सबसे पहले चेक करो ब्रैकेट है इसमें, जी नहीं है, ऑफ है, का लिखा है कहीं, नहीं लिखा है। तो हम करेंगे डिवाइड, यानी डिवाइड चेक करेंगे, तो इन दो संख्याओं के बीच डिवाइड लिखा है सर, डिवाइड लिखा है। तो हम क्या करेंगे सर, किसी का भी किसी में डिवाइड दे देंगे, चाहे 3 का 2 में दे दें या 2 का 3 में दे दें, ऐसे ही तो करते हैं कई स्टूडेंट, लेकिन ये हो जाता है गलत। हमेशा जब भी डिवाइड आए उसके ऊपर एक एरो खींच लीजिए। अब जो एक्सपर्ट है उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग जो बिगनर है उनको जरूरत पड़ती है। एरो हमेशा इधर से इधर की तरफ खींचना, कभी भी ऐसे एरो नहीं खींचना यानी कि इधर से उधर की तरफ, ये वाला गलत होता है और ये वाला करेक्ट होता है। एरो हमेशा उधर से इधर की तरफ होना चाहिए। तो इस एरो का मतलब क्या है सर, एरो का मतलब ये है जो चीज़ चौंच पे लिखी है, चौंच पे 3 लिखा है और बैक पे 2 लिखा है, तो चौंच वाली चीज़ ऊपर और बैक वाली चीज़ नीचे आ जाती है। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब उसको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इस चौंच पे है वो ऊपर आ जाएगा और जो पीछे है वो नीचे आ जाएगा। तो सर हमें ऐसे करना है, हाँ ऐसे ही करना है। तो सर हमने ऐसे तो कर दिया, देखो ऐसे कर दिया 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 बटा 2, क्योंकि चौंच पे 3 था नीचे 2 था। लेकिन इसका मतलब क्या है 3 बटा 2 का, इसका मतलब है 3 बटा 2 का कि 2 का भाग 3 में देना है यानी डिवाइड 3 में देना है। चाहे तो इसे डायरेक्ट कर दीजिए, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, चाहे ऐसे डिवाइड दे लीजिए। कैसे देंगे सर, 2 वन 2, डेसिमल लगाया यहाँ 1 बचा था, डेसिमल लगाया 0 बढ़ा लिए, 2 पंजे 10। सर इसका आ रहा है 1.5, तो हम यहाँ 3 बटा 2 की जगह 1.5 लिख दें सीधा सीधा,
हाँ जी बिल्कुल लिख दीजिए, और जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से सर अब हम क्या चेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्रिक BODMAS बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, अब ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको लिखना करना आ जाएगा तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे सर, बी भी चेक हो चुका है, ओ भी चेक हो चुका है, डी भी हो चुका है, अब डी बचा नहीं है, तो अब करेंगे सर एम। अब इन दो संख्याओं के बीच क्या है, एम यानी चार की मल्टीप्लाई माइनस यानी 1.5 में, यानी कि जब चार की गुणा होगी 1.5 में तो कितना आ जाएगा, यहां से 5 चौके 20 और 4 1 चौका 4, तो यहां से कितना आ जाएगा 0 और 6, यानी एक डिजिट पे डेसिमल है, जितनी भी डिजिट पे डेसिमल होगा उतनी पे रखना है, तो यहां से आ जाएगा आपका 6, यहां से आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 6, तो यहां कितना है 2, अब बीच में भैया प्लस है, तो अब चेक करेंगे सर हम ए, ए यानी कि ऐड, तो 6 और 2 8, तो 8 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब सर आपको भी टाइम लग रहा है इसको करने में क्या, नहीं मुझे टाइम नहीं लगता, लेकिन मुझे आपको सिखाना है बहुत ही आसान भाषा में, जैसे ही आप सीख जाएंगे यानी कि जैसे ही आप सीखेंगे इसको, तो आप भी शॉर्टकट तरीके से सेकंड में उड़ा सकते हैं इसको। सर बिल्कुल उड़ा सकते हैं, कैसे उड़ाएंगे, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा एग्जाम में, 10 आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका 11 आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका 13 आ जाएगा और डी ऑप्शन आपका 8 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आंसर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहां से ऑप्शन डी इज द राइट, एक नंबर मिल गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन करिए और रफ करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से, तो ट्रिक को मैं ऊपर लिख लेता हूं, बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हम सिखा रहे हैं आपको, तो याद रखना। सवाल है यहां से, 4 / 2 × 3 − 6 × 2 + 5, इस तरीके से अगर सवाल आता है तो आप कैसे करोगे भाई। स्टार्टिंग में इतने इजी सवाल इसलिए ले रहा हूं, हालांकि एग्जाम में इतना इजी आता नहीं है, ताकि आप इसको अच्छे से सीखें, और जैसे ही सीखेंगे तो मैं 2-3 लेक्चर कराऊंगा या सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेटेड, तो टफ भी कराऊंगा। तो सबसे पहले हमको चेक करना है क्या, बी बी भी नहीं है, ओ चेक करना है ओ भी नहीं है, तो सर आप करेंगे हम डी, तो इन दो संख्याओं के बीच है डी मतलब डिवाइड, तो कर लो सर भाई, इस तरीके से एरो लगाएंगे तो चौंच पे आता है उसको ऊपर और जो पीछे आता है उसको नीचे, तो ऐसे लिख दूंगा मैं सर 4/2, तो जब 2 का भाग सर 4 में दूंगा, 2 का भाग 4 में दूंगा, तो यहां से आएगा 2 × 2 = 4, तो यहां से सॉल्व होके क्या आता है 2, मतलब इतने को सॉल्व करने के बाद आता है सर 2 × 3 − 6 × 2 + 5, मल्टीप्लाई बोलते हैं गुणा को, ठीक है जी। अब क्या करूंगा मैं, आ जाओ मल्टीप्लाई, अब क्या करूंगा मैं इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड तो है नहीं, तो इन दो संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई है, इन दो संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई है, तो कर लेंगे, तो 3 × 2 = 6, यहाँ माइनस का सिंबल है, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे माइनस का सिंबल, वो मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा। आप −6 × 2, तो 6 × 2 = 12, लेकिन यहाँ माइनस लग रहा है तो इसके साथ भी माइनस आएगा, तो ये आ जाएंगे −12 + 5, वो मैंने इसलिए नहीं लगाया था माइनस, क्योंकि आपको डाउट हो जाता। अब आगे जैसे जैसे माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी या माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो सिंबल चेंज भी होंगे, वो भी आपको आसानी से सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे ही आप सीखते जाएंगे तो जीरो से सिखाना स्टार्ट करा है, तो अब क्या करेंगे सर, अब इसमें हम ऐड, ऐड इन दो संख्याओं के बीच एडिशन है, तो सर हम सीधे सीधे जोड़ देंगे 12 और 5 = 17, अब यही तो आप गलती करोगे, कैसे करोगे, ऐड करना है। अब ये देखो कि कौन कौन सी डिजिट के साथ प्लस है भाई, इसके साथ प्लस है और इसके साथ प्लस है भाई, जहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता उसका मतलब होता है प्लस, तो इन दो संख्याओं के साथ प्लस है तो इनको आपस में जोड़ लूँगा मैं, तो 5 और 6 = 11 भाई, प्लस के 11 और माइनस के 12, तो बचे किसके, प्लस के 11 और माइनस के 12, तो बचा तो यहाँ से 1, लेकिन किसका भाई, जो बड़ा था माइनस वाला बड़ा था, तो माइनस का 1 बचा ना यहाँ से, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा −1 भाई, जो बड़ा होता है उसी का तो बचता है, छोटे का थोड़ी बचेगा, छोटा 11 था यानी कि 11 कम था 12 ज़्यादा था, लेकिन इसके साथ माइनस था तो माइनस आएगा, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाता है −1। अब एग्जाम में किस तरीके से आएंगे ऑप्शन,
आपको प्लस वन भी आएगा, बी ऑप्शन माइनस वन भी आएगा, सी ऑप्शन माइनस टू और डी ऑप्शन आ जाएगा प्लस टू। तो कभी कभी हम जब आपको सॉल्व करने नहीं आते हैं तो गलती क्या करते हैं, माइनस वन की जगह प्लस वन को लगा के आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, वो बता दीजिए। राइट आंसर होगा माइनस वन अकॉर्डिंग टू ट्रिक। लेकिन सर आपने ये बताया ये माइनस प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है माइनस प्लस का, ये ही सीखना है आपको जैसे जैसे मैं कराता जाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर करते हैं यहां से, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, तीसरा सवाल क्या है, टू प्लस फोर मल्टीप्लाई थ्री प्लस ब्रैकेट पांच प्लस छ माइनस तीन। सर इस बार तो ब्रैकेट आ गया बोर्ड मास का, हाँ बिल्कुल आ गया। सबसे पहले हम ब्रैकेट चेक करेंगे तो ब्रैकेट है, तो सर क्या हम डिवाइड लगा दें पहले, नहीं सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है ब्रैकेट, चाहे उसके अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, सबसे पहले ब्रैकेट करना है। तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे आप, अंदर प्लस है इन दोनों संख्याओं के बीच, तो छः और पाँच ग्यारह ब्रैकेट सॉल्व। यानी यहाँ से अगर इसको मैं रफ करके क्या लिख दूँ, ग्यारह भी लिख दूँ तो चलेगा, ग्यारह लिख दूँ तो चलेगा, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, सवाल है तो सवाल की तरह रहने दो, ठीक है। 11 लिख दूं तो चलेगा, यानी सॉल्व हो गया ना ब्रैकेट। अब सर इस तरीके से बन गया ये सवाल, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 11 माइनस 3, इस तरीके से बन गया ना ये सवाल। अब क्या चेक करेंगे सर हम इसमें, डिवाइड है कहीं, नहीं है। मल्टीप्लाई है, बिल्कुल है, तो इन दो संख्याओं के बीच मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से आ गया 12, चार तिया 12। अब ये बन गया सवाल 2 प्लस 12 प्लस 11 माइनस 3। तो अब क्या करेंगे सर इसमें, अब करेंगे एडिशन, क्योंकि सब्सट्रैक्शन बाद में आता है ट्रिक में। तो एडिशन किन किन संख्याओं के बीच होगा सर, जिनके साथ प्लस है, प्लस किस किस के साथ है, जिसके पीछे कुछ नहीं होता वो भी प्लस होता है, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो 12 और 2 14, 14 और 11 कितने होते हैं आपके, प्लस करो 4 और 1 5, 14 और 11 होते हैं 25। तो यहाँ से आ गए आपके प्लस के 25 और माइनस के 3। तो किसके आएंगे सर यहाँ से, 22 तो बचेंगे, 25 में से 3 गए तो 22 तो बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे भाई, जिसके बड़े होंगे उसके ही तो बचेंगे। बड़ा कौन है यहाँ, प्लस वाला, 25 बड़ा है ना, और 25 के साथ क्या सिंबल है, प्लस, तो इसलिए यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस के 22। लेकिन जब आपको ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन किस तरीके से आएंगे, 22, बी ऑप्शन माइनस 22, सी ऑप्शन 21, डी ऑप्शन 18। आप क्या करोगे, अब आप ढूंढोगे प्लस 22, भैया जहां प्लस होता है वहां सिंबल नहीं लगाया जाता, तो जहां सिंबल नहीं होता उसका मतलब ऑलरेडी प्लस 22 होता है। केवल माइनस, किसी भी इंसान की अच्छाई को नहीं दिखाया जाता, कोई अच्छा इंसान होता है तो उसको कभी दिखाते हैं क्या, वही इसके साथ है प्लस के साथ, उसको दिखाया नहीं जाता है। अच्छा, किसी इंसान की बुराई को काउंट किया जाता है, इसलिए माइनस के साथ माइनस हमेशा लगाया जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चौथा सवाल है यहां से, 5 × 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2। ओ सर बहुत बड़ा वाला ब्रैकेट लिया है इस बार तो, हाँ इसको ही तो सॉल्व करने वाले हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ट्रिक के अनुसार सर ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, ब्रैकेट इतने में है तो इतने को ही सॉल्व कर लीजिए पहले, कैसे करेंगे। लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर तो सारा आपने घुमा दिया, मल्टीप्लाई भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, तो दोबारा से सबसे पहले तो ब्रैकेट पे ट्रिक लगी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर अब बोर्ड मास अप्लाई करिए। ब्रैकेट के अंदर जब जाएंगे बोर्ड मास लगाने तो कैसे करेंगे, तो सर पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, हाँ बिल्कुल करेंगे। तो इन दो संख्याओं के बीच क्या है मल्टीप्लाई, तो 5 × 6 = 30, बीच में माइनस है सर, यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाएगा 12। तो अब फिर से ब्रैकेट बंद हो गया, ये फिर से ब्रैकेट बंद हो गया, तीस माइनस 12, इस तरीके से सॉल्व हुआ सर ये, यानी ब्रैकेट अभी भी नहीं खुला है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास अप्लाई हुआ था, हाँ जी बिल्कुल। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सर क्या करें, 30 और 12 को सॉल्व कर लीजिए, यानी प्लस के 30 और माइनस के 12, तो बचे कितने, 10 में से 2 गए 8
और दो में से एक गया एक, यानी 18 किसके बचे सर, जो बड़ा है उसके ही तो बचेंगे, बड़ा कौन है 30, 30 30 के साथ सिंबल क्या है प्लस, तो प्लस के 18 बचेंगे, तो यहाँ से आ गया 5 × 2 − 6 × 2 + 18। ओ ये मैटर है सर इस ट्रिक का, कि हाँ जहाँ ब्रैकेट होगा उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, भले ही यहाँ डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो उसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, जैसे ही नॉर्मल चेन बनेगी तो फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोबारा से बोर्ड मास से अप्लाई करिए, दोबारा से सर बी भी नहीं है यहाँ, ओ भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो यहाँ लगाएंगे क्या एम यानी मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 = 10, यहाँ भी मल्टीप्लाई है सर तो यहाँ भी क्या लगा देंगे 6 × 2 = 12 + 18। अब यहाँ किस किस के साथ प्लस है वो उनको ऐड अलग लिख दीजिए और जिनके साथ माइनस है उनको अलग लिख दीजिए। भाई जिसके साथ कुछ नहीं होता यानी कि जिसकी तारीफ नहीं की जाती उसका मतलब होता है प्लस, इसका भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस के 10 और प्लस के 18 ये हो गए 28, प्लस के 28 और माइनस के 12। अब सॉल्व करिए इनको, प्लस के 28 और माइनस के 12, तो 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, लेकिन 16 तो आया सर, लेकिन किसका आया प्लस का या माइनस का, भाई जो बड़ा है उसका ही तो बचेगा, बड़ा कौन है 28 और 28 के साथ क्या है, क्या है प्लस, तो प्लस आएगा। सर ये क्या मैटर है बड़ा और छोटा, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये डस्टर है, अब इसको मैं छोटा सा टुकड़ा काट दूँ तो बड़ा तो वही बचेगा जो बड़ा वाला है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा प्लस के 16, ऑप्शन किस तरीके से आएंगे आपको, ऑप्शन आएंगे प्लस 16 बी, माइनस 16 सी, 12, कुछ भी ऑप्शन आ जाएंगे तो प्लस 16 इज द राइट, और प्लस भी ना लग क्या है इस तरीके से आए तो भी राइट है कराए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी तरीके से अर्थमेटिक से रिलेटेड मैं आसान ट्रिक्स के साथ लेक्चर लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।